Assalamualaikum. Hello. And good morning. Subah bakhair, khushamdeed, and welcome back to the dhasudar tareen show in Pakistan, jiska naam hota hai Coffee Mornings with Salmeen Ansari. Salmeen Ansari, mera naam aur main aapki khidmat mein. Hazir janab, present boss. 14 तारीख आज सितंबर की, इज द 14th ऑफ सितंबर, इट्स वेंसडे, बुध का दिन है, मिड वीक है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह ही, क्या जहां भी हैं आप लोग, जो भी हैं आप लोग और जितने भी हैं आप लोग, सबके घर खैर की खबर होगी. आई होप यू डूइंग वेरी वेल और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला सब के लिए आसानी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. It's one thing that I've not posted today, but I'm very curious to know. So, आज का सवाल जो है बिल्कुल है, लेकिन वो आज मैं पोस्ट नहीं करूंगी ट्विटर पे. आप लोग वैसे ही जवाब भेज सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे, that's with an SULMEEN. And that is कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम देखते हैं कि लोग कर रहे हैं और हमें बड़ी दिलचस्प भी लगती हैं. कुछ तो होती है ना चीजें हमें पसंद नहीं आती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हम लोगों को देख के कहते हैं यार ये कितनी मजे की चीज है, या अच्छा ये कितने आसानी से कर रहा है या कर रही है, लेकिन हम खुद अपने लिए वो उस चीज को अपनाते नहीं हैं. उसमें कोई बड़ी कोई साइंस नहीं होती है, इट्स जस्ट समथिंग दैट फियरफुल हो, कॉशियस हो, जो भी खैर वजूहात का पता चलेगा ड्यूरिंग द शो. लेकिन मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जब नाई की दुकान पे, जो नाई का एक खोखा ही सा होता है, कुछ लोग जो है बड़े बासानी बैठ के चंपी जो इसको कहते हैं ना, करा लेते हैं, मालिश करा लेते हैं, वो टक 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 हाथों से जो वो सारी थकान निकाल रहे होते हैं. अब उसको खवातीन के लिए नाई तो होता नहीं है, पर उसको देख के इतना रिलैक्सिंग लगता है. ठीक है, हाँ ये एक और चीज़ हो इंसान को कि अच्छा पता नहीं तेल कौन सा इस्तेमाल करें, तो इंसान तेल अपना लेके चला जाए. आप बड़े साफ सुथरे तरीके से, औजार तो उसमें कोई नहीं इस्तेमाल हो रहे होते, कटिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप मालिश की बात करें. लेकिन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मेन सेइंग कि नहीं यार, और वजह उसकी कि अच्छा कोई हाथ लगाए तो अजीब सा लगता है. ठीक है, तो ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ आपको, बड़ी एक कॉमन सी मिसाल है. तो कौन सी ऐसी चीज है जो काफी लोग करते हैं, आमतौर पर लोग कर पाते हैं, करवा लेते हैं, यू नो इट कुड बी रिलेटेड टू, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए, हम बाहर के ममालिक जब जाएंगे तो हम सिर्फ वेजिटेरियन खाएंगे. ठीक है, दूसरे लोगों को देख के, वो अगर लोग चिकन या वेजिटेबल खा रहे होते हैं तो यू नो ऑल दो इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि पीपल वांट टू बी केयरफुल. उसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कि कहीं कभी मटन नहीं खाते हैं, दूसरे लोगों को देख के या कढ़ाई बन रही होगी कहेंगे यार क्या जबरदस्त, खाएंगे खुद कुछ नहीं. तो किसी भी, मतलब इसके पैरामीटर्स तो नहीं है, बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम सवाल है. कौन सी ऐसी चीज है, हल्का फुल्का सवाल है, कि बहुत सारे लोग करते हैं, आपको देख के वो खुशी भी महसूस होती है, नॉट कि अजीब लगता है. ऐसी चीज मत बताइएगा जो आप कहेंगे देख के अजीब लगता है, वो तो समझ आ जाता है कि आपको वो चीज भा नहीं रही होती. यू फाइंड दैट इंटरेस्टिंग, यू फाइंड इट फैसिनेटिंग, आप अपने लिए नहीं अपना पाते. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. एज आई सेड, आज मैंने सवाल नहीं पोस्ट किया. यू कैन जस्ट टैग द माय ट्विटर अकाउंट, द माय ट्विटर अकाउंट और जवाब भेज सकते हैं. लुक फॉरवर्ड टू लॉट्स ऑफ आंसर्स, कीप इट एज फन एंड फैसिनेटिंग एज पॉसिबल. बड़े यू नो ओपन तरीके से बताइएगा यार ये चीज लोग करते हैं और मुझे नहीं होता, अच्छा भी लगता है, फैसिनेटिंग भी लगता है, सोचता भी हूं या सोचती भी हूं कि करूं लेकिन कर नहीं पाते. अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर नजर डालेंगे. अगर कहीं ट्रैफिक जाम है तो जरूर बताइएगा ताकि हम बाकी लोगों को बाखबर कर सकें. अगर आप में से किसी की सालगिरह है, आपके आपके किसी अजीज की, वो भी बताइएगा. और अगर कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपकी नजरों से कल परसों में गुजरी हो, न्यूज रिलेटेड, कोई आर्टिकल रिलेटेड, कोई रिसर्च रिलेटेड, और आप शेयर करना चाहिए, यू मोस्ट वेलकम टू डू दैट. ऑल्सो ऑल ऑफ दिस यू कैन सेंड ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM, MERAFM स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अच्छा जी, फरहान सईद इज ट्रेंडिंग, व्हाई इज ही ट्रेंडिंग, अब क्या किया, मतलब कुछ अच्छा ही किया. थैंक यू एवरीवन फॉर द विशेस एंड दिस ट्रेंड, आई लव यू गाइज, यू मोटिवेट मी एवरी सेकेंड. ड्रामे की एक्टिंग के हवाले से कोई बात होगी, इज अ गुड एक्टर, आई थिंक ही टर्न आउट टू बी अ बेटर एक्टर देन अ सिंगर. इज अ गुड सिंगर ऑल्सो, बट एंड हिज सॉन्ग्स आर ऑल्सो नाइस, बट एज एन एक्टर ही इज रियली प्रूव्ड हिज मेटल, जिसे कहते हैं ना, यानी कि उन्होंने अपनी अदाकारी की जो सलाहियत है उसको
ना सिर्फ हमारे सामने लेके आए हैं बट उन्होंने उसको बेहतर किया है, अपने स्किल को होन किया है उन्होंने. His birthday, अच्छा, probably his birthday. Happy birthday, Farhan Saeed. And also, Junaid Safdar is trending since 2 days. Why? What did he do? The question that I'm asking you this morning is not posted on Twitter today. It is meri zubani, and that is कोई ऐसी चीज जो कि लोग करते हैं, आप देख के मुतासिर होते हैं या खुश होते हैं, महसूस होते हैं, you know, आपको दिलचस्प लगती है वो चीज, लेकिन खुद करते हुए आप कतराते हैं, घबराते हैं या कर ही नहीं पाते हैं. कर पाती हैं को बी एनीथिंग. एंड आई गिव एन एग्जांपल ऑफ नाई की दुकान पे जो चंपी होती है, जो रोड साइड नाई होते हैं, वो देख के बड़ा फैसिनेटिंग लगता है बहुत सारे मर्द हजरात को, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करवाते हैं वो. अब उसकी वजह भी आप बता सकते हैं, वो जो भी एक्टिविटी है वो भी बता सकते हैं. यू कैन जस्ट कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. अगेन पोस्ट नहीं किया आज सवाल, जुबानी ही बता रही हूँ सिर्फ. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. अब बदीन की सिचुएशन सीम्स टू बी गेटिंग वर्स एंड वर्स. आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ ऑल्सो, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो क्वेश्चनिंग. नहीं है, इतना आसान नहीं है, बिकॉज वो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स थे. लेकिन जो ब्रीच का कॉन्सेप्ट है, जिससे एक जगह से पानी का रुख जो है वो दूसरी तरफ किया जाता है, जिससे जो जहाँ आबादी होती है वहां से रुख मोड़ के दूसरी तरफ जो है वो पानी लेके जाया जाता है. They've been experimenting with breaching different areas, और उससे लोगों को फायदा है सच नहीं हुआ है. ये मैंने पिछले हफ्ते भी आप लोगों से शेयर किया था. So overflowing LBOD sets off alarm bells in lower Sindh. लोगों को कहा गया है कि क्या कहते हैं, नकल मकानी की जाए, यानी कि उस जगह को वो वकेट कर दें. Again, my question is, कहाँ जाएं? Where do they go? And how do they go? मतलब घुटने घुटने तक के पानी में वो मीलों मील चल के जाएं इस आस में कि शायद कोई ड्राई लैंड हो, शायद कोई चारपाई मिल जाए, शायद कोई टेंट मिल जाए, एटसेट्रा. इट्स आई डोंट दे जस्ट रेस्क्यू क्यों नहीं कर रहे हैं यार? ये कहना आसान नहीं है, जब तो माह से ऊपर हो गया है ना इस बुरी सिचुएशन की. फ्लड्स की शुरुआत हुई थी जुलाई में, अगस्त में जो है वो जोर पकड़ा था उसने, और अगस्त के मिड अगस्त के बाद तो हालात बहुत खराब हो गए थे. तो रेस्क्यू क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक? मतलब लिटरली रोने का दिल चाहता है. मैं थक गई हूँ ये कह कह के. आप लोग भी आई एम श्योर क्यूरियस होंगे, क्यों नहीं रेस्क्यू कर पा रहे हैं? ऐसी क्या दिक्कत है कि लोगों को रेस्क्यू, एक एक कस्बे को, एक एक गांव को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता और किसी सेफ मकाम पे नहीं पहुंचाया जा सकता? अदर देन दैट क्या हो रहा है? डॉलर आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है. ग्लोबली द डॉलर हैज बीन एक्टिंग अप सिंस द पास्ट वीक ऑल्सो. इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स बीन गिविंग अ रन टू द यूरो एंड टू द पाउंड ऑल्सो. We can't afford for it to be at the price that it's at right now. But anyhow, other than that, और क्या हो रहा है? काफी सारी चीजें मेरी नजर से आज सुबह गुजरी हैं. आहिस्ता आहिस्ता करके देखते हैं. वर्ल्ड पोलो चैंपियनशिप का मैंने आपको बता दिया था कि क्वालिफाई कर गए हैं. उसके अलावा भारत में एक और कदीम मस्जिद की जगह मंदिर बनाने की तैयारियां. जी, दिस इज समथिंग आई'd लाइक टू आस्क यू पीपल. अब इसमें अगेन मजहबी पहलू भी आता है. किसी एक इबादत गाह को क्या आप रिलीजियसली एथिकली गिरा सकते हैं कि कोई और किसी और? बिकॉज इबादत तो इबादत होती है. अगर मुसलमान समझते हैं या जानते हैं या मानते हैं इस बात को कि मैं इसलिए जानते मानते कह रही हूँ बिकॉज दूसरे रिलीजन्स के लोगों के लिए ये मानना आसान नहीं होता कि यू नो इस्लाम इज द मोस्ट कम्प्लीट रिलीजन. तो अगर मिसाल के तौर पर अभी यहाँ कह रहे हैं मस्जिद को गिरा के और मंदिर बना रहे हैं, तो अगर मंदिर को, आई एम नॉट सेइंग कभी भी ऐसा होना चाहिए, वैसी माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है हमारे मुल्क में, कि अगर मंदिर को जो है वो डीकंस्ट्रक्ट किया जाए, मैं गिराने का लफ्ज कभी ना इस्तेमाल करूं, और मस्जिद बनाया जाए, तो ये किसी भी पहलू से क्या जस्टिफाइड होगा? लॉजिक तो कहती है कि नहीं है. इबादत तो हर एक के लिए अपनी इबादत जो है, अपनी इबादत गाह जो है वो मुकद्दस होती है. सो खैर, इंडिया का तो हम क्या ही कहें, मतलब मुसलमानों के लिए के ऊपर क्या क्या नहीं हो रहा है, किस किस तरह की जातियां नहीं होती यहाँ पे. सारी ये जो क्या है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन काउंसिल्स हैं जितनी, ये सारी चुप हो जाती हैं बिकॉज यहाँ पे तो नहीं कुछ कहा जाता. हम हमारे यहाँ फिर भी एटलीस्ट मैं ये कहूँगी, आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई कम अज कम वाली बात है, लेकिन जहाँ माइनॉरिटीज के लिए वक्त बहुत सख्त है बिकॉज लोग जो हैं वो बहुत इनटॉलरेंट हैं, जहाँ हमारे यहाँ बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं और बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं और डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करते हैं, वहाँ बड़े एक्सट्रीमिस्ट भी हैं जो मजहब के नाम को बदनाम करते हैं और हक
छीन लेते हैं माइनॉरिटीज का. लेकिन ये जरूर मैं कहूंगी कि वी हैव अ सपोर्ट फ्रॉम द फॉर मोस्ट गवर्नमेंट्स. ज्यादातर गवर्नमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट रही है, वो अगर कभी कोई हादसा पेश आता है और माइनॉरिटीज के, अकलियतों के साथ पेश आता है, कोई एहसान नहीं कि नोटिस लिया जाए, लेकिन उस चीज को जरूर कंडेम किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, किसी ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से नहीं. लोग कंडेम करते हैं. अब उसको कितना आगे लेके जाया जाता है, कभी कोई केसेस फाइट होते हैं कि नहीं, क्या सजा दी जाती है उन लोगों को जो कि यू नो फेक ब्लास्फेमी के केसेस पे, यानी खुद मुसलमान होंगे किसी और के ऊपर जो है वो गलत बुनियाद पे कह के ब्लास्फेमी का केस लगा के और किसी को नुकसान पहुंचाते थे, खुद कानून अपने हाथ में ले लेते. आई थिंक ऐसे लोगों को ट्रायल पे जरूर डाला जाता है. बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता है, बट आई द लिटिल अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव अबाउट दिस एंड आवर गवर्नमेंट्स ऑलवेज मेक इशू अ पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. यू डोंट सी दैट इन इंडिया. कभी मुसलमान है, कभी सिख है. आई डोंट अंडरस्टैंड. हर मुल्क में जिस तरह लोग अच्छे बुरे होते हैं, हमारे मुल्क में भी हैं, भारत में भी हैं, अमेरिका में भी है, हर तरह के लोग हैं. बट गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में क्या कभी भी आता है ये सुनने को कि ये गलत किया गया कि जी मुसलमानों को अपनी इबादतगाह पे नमाज नहीं पढ़ने दी गई तो ये गलत किया गया. दैट्स द डिफरेंस. इट्स नॉट दैट वी आर डूइंग बेटर एंड दे आर डूइंग वर्स. बुरा तो बुरा होता है, बट इट जस्ट मेक्स मी क्वाइट सैड. स्टेट सर्वेलेंस एंड VPN. पिछले हफ्ते जब ये PTA की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई थी तो लोग काफी परेशान हुए थे. लोग इसलिए परेशान हुए थे बिकॉज द कंट्री हैज बीन लिटरली रनिंग ऑन VPNs फॉर द पास्ट 20 years, मोर ऑर लेस. सो पहली मरतबा ऐसी अनाउंसमेंट आई थी, और ये इत्तेफाक तो नहीं है कि ये अनाउंसमेंट तब आई थी जब हर तरह के सोर्सेस को इस्तेमाल किया गया था एक सर्टन पार्टी के, एक सर्टन लीडर के, यू नो, जलसों के दौरान. पहले टेलीविजन पे पाबंदी लगाई गई, फिर लाइव नहीं दिखा सकते, अच्छा डिलेड रिकॉर्डेड दिखा सकते हैं, वो एक कंडीशन बनाई गई. उसके बाद हमने यूट्यूब को देखा, एक दफा नहीं, एटलीस्ट 4-5 मरतबा हो चुका है ये कि चूंकि लोग फिर स्विच कर देते हैं क्योंकि टेलीविजन की नशरियात जो है, इसके बावजूद ये इजाजत डिलेड दिखाने की है उस उन जलसों को, लेकिन नहीं, बहुत सारे चैनल्स दिखा रहे होते हैं उनके. उसकी वजह भी आप सबको ही पता है जो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं. तो लोग VPN का इस्तेमाल कर रहे थे बिकॉज यूट्यूब लोग ब्लॉक कर रहे थे एंड पीपल वांट टू वॉच. अच्छा, ये एकदम से मुझे फट फट की आवाज आ रही है. अब आ रही है? हाँ, अब ठीक है. अच्छा, तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अगर VPN है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बिकॉज इट इज इलीगल टू यूज अदरवाइज. तो आई थिंक एवरीबडीज क्वेश्चन वॉज दैट वाई नाउ, एकदम से क्यों, एक ऐसा अजीब सा इत्तेफाक है. अच्छा, मुझे मेरी आवाज थोड़ी क्रैक क्रैक करके आ रही है. आई डोंट नो ये हेडफोन्स में है या ये माइक में है. अगर आपको मेरी आवाज साफ शफाफ सुनाई दे रही है तो SMS या ट्विटर पे प्लीज बता दीजिएगा. लेकिन मुझे अजीब सी लग रही है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज कि अभी मुझे कट कट के आ रही है तो मैं इस तरह करती हूँ कि इसको चेक करती हूँ एंड देन आई विल बी बैक आफ्टर दिस. स्टे ट्यून्ड. ओके, आई एम गोना सी इफ द नाउ आवाज अब बिल्कुल क्लियर है. मुझे खुद ही लग रहा था कि माइक पे फट फट की आवाज आ रही थी. एनीहाउ, सेल्फ केयर सितंबर है आज. आज कह रही हूँ इस माह. अब सेल्फ केयर सितंबर क्या है ये 10 बजे के बाद मैं आपको बताऊंगी. सवाल आज का दोहराई देती हूँ. नजम, आई रेड योर आंसर, इज वेरी इंटरेस्टिंग. द क्वेश्चन हाउएवर वाज नॉट के जनरली कोई यू नो कोई यूनिक चीज, कोई चीज जो कि आम है और लोग करते हैं और आपने कभी नहीं की, हिम्मत नहीं की. खैर, योर जवाब इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग एज आई सेड, बट द रेफरेंस वॉज, रेफरेंस ये था कि कोई चीज जो आप कॉमनली देखते हैं लोगों को करते हुए, आमतौर पे बहुत सारे लोग करते हैं और आप उसको सराहते भी हैं, लेकिन खुद करने की या हिम्मत नहीं होती, या आप अपने आप को ये वजह देते मौका नहीं है, या मैं कैसे करूंगा, या पता नहीं यार, यू नो समथिंग ओ दी अदर. तो ऐसी क्या चीज है जो आम तौर पे लोग करते हैं और आपको वो भाती भी है या अच्छी भी लगती है, दिलचस्प भी वो चीज लगती है, लेकिन आप खुद नहीं अपनाते हैं. एक तो वो क्या है और दूसरी उसकी वजह क्या है उसको ना अपनाने की या करने की. दैट्स द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. एंड वंस अगेन, आई हैव नॉट पोस्टेड द क्वेश्चन ऑन ट्विटर टुडे. सिर्फ जबानी बता रही हूँ, लेकिन यू कैन स्टिल continue tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMEEN, aur apna jawab ko hashtag kijiyega coffee mornings with Salmeen ke saath. So as I said, self care September iske hawale se bhi baat karenge kal. I'm sure aap logo ne dekh liya hoga, agar nahi dekha hoga to dekhne ki zarurat hai. Ek aisa mulk jo ke authorities ki
नाएहलियों की वजह से सफर करती है. एक ऐसा मुल्क जहां खवातीन के स्पोर्ट्स को वैसे ही फरोग उस तरह नहीं दिया जाता, और दुनिया में बहुत सारे ममालिक में ये होता है, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ही खरामा फाइनली, और वही खुद यू नो खुद मुख्तार खवातीन एंड उनको कुछ सपोर्टिव कोचेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने इस तरह सराहा है और इस तरह हेल्प किया है कि अथॉरिटीज को समझाया जाए और फिर उनको मौके फराहम किया जाए, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कोचिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लोग बड़े आसानी से कह देते हैं ना, बासानी लोग कह देते हैं कि जी परफॉर्मेंस देना उसके बाद इक्वल पे की बात करें. ये तो दुनिया की सबसे फजूल बात है. परफॉर्मेंस दें उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आप मुफ्ते में काम करें. ये रूल जरा अपने ऊपर अप्लाई करके आप देखें कि आपको कहा जाए कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे जब तक आप जो है वो टॉप परफॉर्मर नहीं होंगे. Anyhow, so women and women's football has suffered a very big setback in the past couple of years. पहले भी हो चुका है, पहली मर्तबा नहीं हुआ था कि FIFA ने disqualify कर दिया था. लेकिन not just the fact कि जो tournament वो SAFF का tournament खेल रहे हैं, South Asian Football Federation का, that they tried their level best, even जो matches वो हारी. Everybody said that they really, really came up as a कोई बात ना, हम कहते हैं, हम क्रिकेट में भी यही कहते हैं ना कि try तो करें कम अज कम, give it your best shot वाली चीज. So people observe that. And then yesterday 7-0, very well done. Also मैंने एक और भी ट्वीट किया था, हर स्पोर्ट में हम बहुत सारे जो हमारे जो है क्या कहते हैं चैम्पियंस मौजूद हैं, बहुत सारे. हम उनको आहिस्ता आहिस्ता करके, अपने ऊपर कोई ज़बरदस्ती उस तरह नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनके बारे में जाने, उनको सराहें, उनको प्रमोट करें. कल को शायद हमारे घर में से ही ऐसा कोई चैम्पियन निकलेगा. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड बॉक्सिंग लीग एशिया पैसिफिक टाइटल जो है वो सैयद हजारा ने जीता, कंग्रेचुलेशंस टू हिम. अब ये ज़ाती तौर पे मैं बात जिक्र भी पहले कर चुकी हूँ शो पे कि पर्सनली मुझे बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट जो है वो ना सिर्फ कि भाता नहीं है, बट आई फील दैट यू नो इट्स टू मच अग्रेशन एंड इट्स अटैकिंग द बॉडी डायरेक्टली. लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि किसी के लिए, अगर ये किसी का करियर है और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है और वो अच्छे तरीके से कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है अपनी, तो आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट. सो कंग्रेचुलेशंस टू सैयद हजारा एंड ऑल्सो कंग्रेचुलेशंस टू द वुमेन्स फुटबॉल टीम जिसने कल मालदीव्स को 7-0 हराया था. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. वंस अगेन आई एम दोहराफाइंग टुडेज क्वेश्चन. बिल्कुल जिस तरह रोड साइड के नाइप के पास बहुत सारे लोग बहुत मजे से जो है वो चंपी कराते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसको देख के कहते हैं यार जबरदस्त, लेकिन खुद नहीं कराते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आम तौर पे खवातीन, मर्द, बड़े, बच्चे, कोई भी करते हैं, आपको अच्छा भी लगता है लेकिन आप खुद कर नहीं पाते. कुछ भी हो सकता है, कोई गुलुकारी हो सकती है, बाथरूम सिंगिंग हो सकती है, किसी शादी पर डांस हो सकता है, यू नो जो आप कहते हैं कि अच्छा अ लॉट ऑफ मेन कुक वेरी वेल, और आप कहते हैं कितनी जबरदस्त बात है कि बिल्कुल जिस तरह खवातीन घर भी और बाहर भी संभालती उसी तरह मर्द भी, लेकिन आप खुद नहीं करते हैं या कर पाते हैं, जो भी वजह है. आई लुक फॉरवर्ड टू योर जवाब. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल दैट्स विद एन SULMEEN. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी. And this is Mera FM 107.4. हंसी भी आती है और अफसोस भी आता है. कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात करने जिसमें कोई आपको लग रहा होता है कीड़ा निकालने की कोशिश कर रहा है, सजेशन देने में या सवाल पूछने में, और कीड़ा निकालने में या टेढ़ी बात करने में फर्क होता है. फर्क सबको पता होता है. तो ये कोई कहना ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी नीयत तो ये नहीं थी. 9 out of 10 times that's not true. People know. लोगों को पता होता है किसी को किसी चीज से you know कह के अटेंशन मिल जाएगी, किसी और को शायद चिड़ हो जाएगी, या हमें जो है वो हमारी बात जो है वो सबसे नुमाया हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मैं दरख्वास्त ही करूंगी, बिकॉज मेरा जर्व यह है कि मैं पहले एक से ज्यादा मरतबा जो है वो कुछ कोशिश करती हूँ कि बहुत ही तहमुल से बात करूँ, और उसके बाद फिर जो मर्जी फिर आपका रिएक्शन हो उसके बाद फिर मैं सख्त हो जाती हूँ. मेरी पोजीशन या मेरी प्रेजेंस ऐसी है कि लोग उम्मीद भी यही रखते हैं कि मैं आई विल ऑलवेज यू नो कीप इट वेरी इंस्पिरेशनल एंड इंस्पायरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा. तो मैं कोट नहीं करूंगी, ट्विटर है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, जिसने देखना होगा देख लेगा. लेकिन एसन सलीम नाम लेके मैं जरूर कहूंगी कि आप अगर समझते हैं कि आप जब ट्वीट्स करते हैं जिस तरह की करते हैं उसमें आपके जो अल्फाज का चुनाव होता है, जो तरतीब होती है, आप जो भी कहना चाहें, सवाल पूछना चाहें, सजेशन देना चाहें, उसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए. दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से. बस आपको आज इतनी ही अटेंशन मिलेगी. सवाल आज का दोहराई देती हूँ एंड दैट इज, पोस्ट नहीं हुआ है तो शायद लोगों को ना पता, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आपको पता चल जाएगा. एंड दैट इज दैट, कोई ऐसी चीज जो आमतौर पर लोग करते हैं और आपको मजेदार लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, दिलचस्प लगती है, इट्स वेरी कॉमन फॉर पीपल टू डू इट, लेकिन आप खुद या कर नहीं पाते हैं या करते नहीं, जिस भी हिचकिचाहट की वजह से, टाइम की कमी की वजह से, कभी सोचा नहीं कि खुद करके कैसा लगेगा या कोई और वजह, वो चीज बुरी नहीं लगती आपको. ऐसा कुछ होता है ना, कोई आप किसी को कहते हैं यार ये लाल कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है, और फिर आप दूसरा आपका एंड ऑफ द सेंटेंस हो कि लेकिन मुझे अपने लिए लाल कलर पसंद नहीं है. तो ना पसंद होना एक और चीज है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें जो पसंद और नापसंद की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, शुमार नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं अपना रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज है जो कॉमन है लेकिन यू आर नॉट अडॉप्टिंग इट फॉर योरसेल्फ? व्हाट इज सेल्फ केयर? सेल्फ केयर सितंबर, एक तो ये माह जो है उसको हाईलाइट किया गया है बैन अक्वामी सतह पर एज अ मंथ वेयर यू हैव टू डू थिंग्स सोली फॉर योरसेल्फ. यानी ऐसा माह जो आप अपने लिए रोजाना कोई ऐसी चीज, कोशिश कर सकते हैं रोजाना स्केड्यूल बना के, चेकलिस्ट बना के, या स्पॉन्टेनियसली, यानी जो एकदम आपको महसूस हो, ऐसी चीज करें जो आपकी फैमिली या आपके पेट्स या आपके कॉलीग्स या आपके जानने वालों से रिलेटेड अगर है भी, तो फोकस उसका आपके ऊपर है. लेकिन आइडियली सेल्फ केयर का मतलब यही होता है कि अपनी जात के लिए कोई ऐसी चीज, इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज अ हेयर कट, अ वन डे वेकेशन, किसी से यू नो कुछ घंटों के लिए बात ना करना. और इन सारी चीजों को मना करने से पहले कि पॉसिबल नहीं है, हमारी जिंदगी ऐसी, हमारी रूटीन ऐसी, लोग समझेंगे क्या हो गया फलाना ढमकाना, लोग समझते नहीं, लोग तो नहीं सर, अपने सगे से सगे लोग जो हैं वो कभी कभी स्पेस नहीं देते हैं. स्पेस जो लोग लेते हैं वो ज्यादा जहनी और जज्बाती तौर पे मुतमईन होते हैं, ज्यादा पुरसकून होते हैं. जितनी नई रिसर्चेस हैं, जितनी नई स्टडीज हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, आप साइकियाट्रिस्ट से बात कर लीजिए, आप थेरेपिस्ट से बात कर लीजिए, आप किसी सूफी से बात कर लीजिए, जहां दुनिया में आने का मकसद दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के उनके साथ चीजें करना है, वहां सेल्फ केयर अपने ऊपर फोकस करके और अपने ऊपर ध्यान देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप किसी के काम के नहीं होंगे अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे. ये तो कोई नई बात नहीं है, कोई 2022 की कोई मैं नई आपको डिस्कवरी तो नहीं बता रही हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है अब समझना, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं होता था. एक आप अपने पेरेंट्स को देख लीजिए, उन्होंने अपने सेल्फ केयर के लिए क्या किया होगा कुछ. मैंने तो ज्यादातर मिडिल क्लास या इवन अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के पेरेंट्स को अपने लिए कम ही कुछ करते हुए देखा है. कुछ वालदेन होते थे जो अपने लिए करते थे, दे वुड हैव लाइक अ गोल्फ नाइट और यू नो वुमेन वुड हैव लाइक अ चाय every Sunday, you know, tea party at some club or whatever, but that's बहुत कम एक परसेंटेज, बहुत कम शराय उन लोगों की पॉपुलेशन की. द बिगर पॉपुलेशन वो सेल्फ केयर, और इसमें अगेन आपको जो सोशियो इकोनॉमिक सेगमेंट्स हैं उसमें सबके ऊपर लागू है. जो सबसे लो इनकम स्ट्राटा के लोग हैं, जो पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए तो सर्वाइवल मोड है, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता है. लेकिन इफ यू हैव एन आमदनी as tough as your life will be, वो 10 मिनट की चहलकदमी हो रबर के चप्पलों में, या वो घास के ऊपर बैठना हो, या वो चाय का कप पीना हो, फोन ना साथ रखना हो, ये सब सेल्फ केयर में आता है. यू नो चंपी करा लेना हो या किसी दोस्त से बात करना हो, इसलिए नहीं क्योंकि उसको जरूरत है, इसलिए बिकॉज यू वॉन्ट टू रिलैक्स. सो सेल्फ केयर सितंबर है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि पर्सनैलिटी में भी अपनाने की जरूरत होती है. सेल्फ केयर में लोगों को ना कहना भी सेल्फ केयर होती है. हर चीज में हामी भरना भी ना भरना इज ऑल्सो सेल्फ केयर. अपनी एक कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी करना जो आधी जिंदगी लोगों को ना समझ आई हो कि ये क्या चीज होती है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है, ये भी सेल्फ केयर होती है. सो सेल्फ केयर सितंबर, कोशिश करके देख लीजिए इफ यू कैन अडॉप्ट समथिंग, सम ट्रेट्स दिस मंथ स्टार्टिंग टुडे. इट इज नेवर टू लेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जाके टाइप करके देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसको कितनी तरजीह दी जा रही है दुनिया भर में कि सेल्फ केयर होता क्या है और इस माह में इसको तरजीह क्यों दी जा रही है. मैं अपना ही आपको बता देती हूँ. यस्टरडे आई वॉर अ शर्ट विच आई बॉट अर्लियर दिस ईयर एंड वो है नियॉन येलो नियॉन ग्रीन का एक मिक्सचर है, कलर वेरी ब्राइट कलर. नियॉन कलर्स या फ्लोरेसेंट कलर्स जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्राइट होते हैं. हाउ टू एक्सप्लेन नियॉन एंड फ्लोरेसेंट, यानी कि कुछ रंग होते हैं जो शोक होते हैं और कुछ रंग होते हैं जो कि ना सिर्फ शोक होते हैं बट बहुत
लिटरली जिस तरह सूरज की किरणें होती हैं, ठीक है, या जब बहुत क्या कहते हैं गर्म दिन होता है या सूरज चमक रहा होता है, तो कुछ आपको जो रोशनी उसकी सूरज की होती है वो लिटरली आंखों पे पड़ रही होती है और आपको मतलब जोर डाल रही होती है. तो नियॉन और फ्लोरेसेंट कलर्स अक्सर ऐसे होते हैं. तो द शर्ट दैट आई वो यस्टरडे, आई बॉट इट अर्लियर दिस ईयर एंड मैं वैसे ही सोच रही थी. माय फ्रेंड वाज, आई वाज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन यस्टरडे, तो शी सेड बहुत मतलब उसको बहुत अच्छा लग रहा था जो मैंने पहना हुआ एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई सेड मैं 5 साल पहले तो चलो शायद ठीक है, 10 साल पहले शायद मैं ना सोच सकती कि इस तरह का कलर जो है वो मैं पहनूं. ऑल्दो जनरली माय वार्डरोब आई हैव ऑलवेज बीन वेरी यू नो आई वेयर व्हाट आई वेयर, मतलब मुझे जो पसंद, आई विल ट्राई लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स हमेशा से. लेकिन फिर भी एंड फ्लोरेसेंट और नियॉन के डिफरेंट ट्रेंड्स रहे हैं मुख्तलिफ दौर में. एक टाइम था व्हेन वी वर यंगर तो फ्लोरेसेंट लेसेस, यानी जूता बेशक सफेद हो लेकिन उसके जो तस्मे होते थे वो फ्लोरेसेंट कलर्स के आते थे. फिर फ्रेंडशिप बैंड्स जो हैं, जो फ्रेंड्स को देते होते हैं मेल फीमेल बोथ, वो फ्लोरेसेंट कलर्स में आना शुरू हो गए थे. बट कपड़ा इटसेल्फ, पूरा कपड़ा, उमूमन आप रैपर्स को या स्पोर्ट्समैन को देखते हैं फ्लोरेसेंट अक्सर वो जब कंस्ट्रक्शन साइट्स नहीं होती वहां पे जो जो भी उन्होंने लिबास पहना होता है उसके ऊपर एक उन्होंने एक प्रोटेक्शन के लिए एक इमरजेंसी जैकेट सी पहनी होती है. वो जो रंग होता है कि रात में भी वो चमकता है अंधेरे में, उसको फ्लोरेसेंट या नियॉन बोलते हैं. सो जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस दैट आई यूज्ड टू थिंक यू नो ये लोग जो कॉन्फिडेंट हैं वो पहन लेते हैं या, बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड, लिटरली स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट इट ओवर द पैसेज ऑफ टाइम. अगर कोई भी चीज मैं अपनाती हूँ तो इसलिए अपनाती हूँ बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि आई विल एंजॉय इट. और यही फर्क है. कभी भी किसी के ऊपर कोई चीज हम कहते हैं ना जचती ज्यादा है, ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं अग्री करती इससे कि कोई चीज जचती ज्यादा किसी पे और किसी पे कम जचती है. आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ हाउ यू कैरी इट. किसी भी शख्स पे कुछ भी अच्छा लग सकता है, पहनावे की अगर बात करें तो कोई भी चीज मजेदार लग सकती है, किसी भी चीज का मजा आ सकता है. हाँ ये और बात है, मिसाल के तौर पे कोई बहुत अच्छी गुलूकारी करेगा, कोई थोड़ी अच्छी करेगा, कोई गुजारा करेगा और कोई बाथरूम सिंगर से भी कम होगा. लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से अगर कोई बाथरूम सिंगर से भी कम बेसिक ना सुर ताल नहीं है कोई गाए तो लोग वो खुद भी इंजॉय करेगा और लोग भी महसूस होंगे. इतनी दफा ऐसा होता है कि किसी का सुरताल नहीं इतना ज्यादा अमेजिंग होता बट वो माहौल ऐसा बन जाता है उस शख्स के गाने की वजह से कि वो खुद भी अच्छा फील कर रहे होते हैं और दूसरे भी लोग फील कर रहे होते हैं, है कि नहीं है. इसी से इंस्पायर होकर आज मैंने सवाल पूछा था, कोई ऐसी चीज जो लोग करते हैं आमतौर पर करते हैं, आपको देखने में सुनने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन और आप यू नो सराहते भी हैं उसको लेकिन खुद अपने लिए नहीं अप्लाई कर पाते. जाज चौधरी कहते हैं फिटनेस ट्रेनिंग सुबह सुबह. That's true. सुबह सुबह एक्सरसाइज, लेकिन वॉक करना या चहलकदमी करना या चले जॉगिंग भी करना वो भी खैर इट इज अगेन आपको बड़ा डिसिप्लिन होने की जरूरत है, लेकिन योगा और एक्चुअल फिटनेस ट्रेनिंग इज लाइक अ वेरी वेरी कूल डिसिप्लिन, लेवल ऑफ डिसिप्लिन रियली फैसिनेटिंग. कहते हैं सुबह सुबह मुझसे उतना उठा जाता नहीं ये करने के लिए. दूसरा कहते हैं कीटो या कंट्रोल डाइट, कोई सोडाज वगैरह ना पी सकेंगे. कैसे कर लेते हैं ये लोग, वैसे ही कर लेते हैं जैसे हम कहते हैं कि हमसे नहीं होता. बिल्कुल जिस तरह जिस शिद्दत से या जिस श्योरिटी से हम कहते हैं ना हमसे नहीं होता, उतनी श्योरिटी से वो कहते हैं हमसे होता है. पैदाइशी थोड़ी कोई इतना डिसिप्लिन्ड होता है. कुछ लोग होते भी हैं बट बहुत सारी चीजें अक्वायर्ड होती हैं और वो एडल्टहुड में आके ही अक्वायर होती हैं. सो या वन स्टेप एट अ टाइम जो कहते हैं ना वो कोई वजह होती है, लेकिन वो स्टेप एक दिन लेना होता है किसी भी चीज में, वेदर इट्स सिटिंग आउटसाइड, वेदर इट्स यू नो रोज जो हम कहते हैं ना मैं टाइम नहीं होता अपने लिए, सर खुजाने का टाइम नहीं है. तो वैसे बताए कि ये महावरा पता नहीं कहाँ से निकला था, खुजली कौन बैठ के हर वक्त कर रहा होता है, सर की बात कर रही हूँ, सर खुजाने का टाइम नहीं. आई नो इट्स जस्ट मेटाफोरिकल, व्हाट डज दैट मीन? क्या पुराने जमाने में लोग बैठ के सर खुजाते थे सिर्फ अपना? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस महावरा ही नहीं. सो या सर खुजाने का टाइम नहीं होता है उन लोगों के पास भी अक्सर नहीं होता है जिनकी बहुत बिजी रूटीन होती है, जिनकी जो बिजनेस ओनर्स हैं या बड़ी फैमिली वाले हैं या जिनके घर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं. यू नो कोई आप इमेजिन कीजिए अगर ऐसा कोई शख्स हो, आप क्या कभी, आई एम श्योर ऐसी कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी, ऐसा शख्स जिसके घर में कोई ऐसा फर्द मौजूद है जो कि जिस्मानी या जहनी तौर पर लफ्ज माजूर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बट समझाने के लिए सिर्फ कह रही हूँ, चैलेंज है फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड है, ठीक. वो शख्स नौकरी पे जाता है या जाती है
अपने बेहतरीन तरीके से अपने फराइज निभाता है, निभाती है. सलाम दुआ में हमेशा पहल करने टाइप का शख्स. एंड सुबह को सारे घर के मामला देख के कि वो फर्द जो है उसको उसका ख्याल रख के जहनी और जज्बाती तौर पे इतनी हिम्मत रखना कि वो काम पे जाए भी, अच्छे से निभाए भी वो फर्ज, और उसके बावजूद वो किसी स्पोर्ट के लिए या किसी एक्सरसाइज के लिए अपने लिए टाइम भी निकाले. सुना है क्या कभी ऐसा आपने? आप कहेंगे कि हाँ होता होगा, होता है. और आई नो समबडी हूज लाइक दिस ऑल्सो, यू नो, कि फिजिकली कभी कभी तो पेरेंट्स ही की ओल्ड एज जो है वो आपके लिए ऐसी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल आई नो समबडी जो कि मुझसे कुछ साल बड़े हैं, एंड उनकी घर पे बहुत बहुत मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारी, वेरी डिफरेंट. एंड एक पेरेंट है उनके, एंड उनकी यू नो फिजिकल हेल्थ ऐसी है जो कि काफी चैलेंज्ड है, काफी ज्यादा चैलेंज्ड है. वो शख्स फिर भी किसी और की मुसीबत में सबसे पहले अपीयर करने वाला शख्स वो है. फुटबॉल से बहुत ज्यादा उनको लगाव है, वक्त वो कम निकाल पाते हैं आजकल, आई थिंक पिछले कुछ सालों से, लेकिन देखने और खेलने में कहीं ना कहीं वक्त निकाल लेते हैं. और अपनी वालदा जो उनकी हैं, उनकी सेहत नहीं ठीक इतनी रहती है, उसके बावजूद वो ही इज़ ऑलवेज देयर. नमाज भी नहीं छोड़ते, बहुत जल्दी उठ भी जाते हैं, वो नींद अपनी बहुत बुरी रखते हैं. ये मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि योर नींद इज़ जस्ट हॉरेबल. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि हम जो मैं मिसालें इसलिए दे रही हूँ कि हम जिंदगी में कभी कभी कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने को. तो हर एक के पास बहुत सारी होती हैं. हमें लगता है जो लोग फारिग होते हैं वो डिसिप्लिन ज्यादा होते हैं, जो लोग अक्सर ज्यादा मसरूफ होते हैं या उनकी ज्यादा मुख्तलिफ पहलुओं में जिम्मेदारियां होती हैं वो ज्यादा डिसिप्लिन अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कम तो होनी नहीं है. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ द चॉइसेस दैट वी मेक और वी डोंट मेक. आइटम नंबर मतलब गाने का नाम है, बड़े अरसे बाद प्लेलिस्ट में नजर आया. यार ये चलाते हैं, एंजॉय. सो नजम कहते हैं मैम हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए. कहते हैं मुझे तबले पर किसी पर, अच्छा मुझे तबले पर थरकती उंगलियां. आ क्या लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, थरकती उंगलियां. मुझे तबले पर थरकती उंगलियां और उससे पैदा होने वाली आवाज पसंद है, लेकिन कभी आज तक खुद कोशिश नहीं की. क्यों नहीं की कोशिश? Why? Explain reason. अबू मजाक सा ना, हम छोटे होते थे तो अबू कहते थे why? Explain the reason for this कहने के बजाय ना, you would just जानबूझ के say it in a short form. So why wouldn't you try it? Just like वही बात लोग associate करते हैं बहुत सारी चीजों को. And I'm glad I can have a laugh about it. और मैं खुद ही बता देती हूँ अब लोगों को. लोग समझते हैं साइज को देख के, लोग समझते हैं ना कि अच्छा कोई लंबा चौड़ा होगा तो कोई भारी चीज उठा सकेगा. मैं बहुत बासानी, हमने घर इतने शिफ्ट किए थे जब हम छोटे थे कि अम्मी अबू ने हमें बहुत सेल्फ रिलायंट बना दिया. तो वैसे ही सेल्फ रिलायंट बना दिया था, चीजें दो छत्ती में चढ़ानी होती थी तो अम्मी अबू अपनी दोनों बेटियों को सीढ़ी से चढ़ा देते थे. वी वर टॉट लाइक दिस, फर्नीचर इधर उधर मूव करना हम सब मिलजुल करके करते थे इवन वेन वी वर वेरी यंग. तो उसी तरह ढोल बजाने में बड़ी जान लगती है और मैं बहुत जोरदार किस्म का, काफी मैं ये कह सकती हूँ काफी हद तक जबरदस्त भी कह सकते हैं इसको, काफी हद तक अच्छा वाला ढोल जो है वो मैं बजा सकती हूँ. तो वो जस्ट वन डे आई स्टार्टेड बिकॉज हमेशा से माई सिस्टर शादी ब्याह के मौके पे ही होता है ना, हमारे यहाँ डांसेस का कॉन्सेप्ट एज सच फैमिली में ननियाल ददयाल में नहीं था, अभी भी खैर नहीं है, होता है तो बहुत कम होता है ऐसा कि शादी पे लुड्डी वुड्डी अगर किसी ने डाल लिया या अगर कोई मायू मेहंदी टाइप कोई चीज है तो लोग बिल्कुल एक बंद सी जगह पे, जो बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे तब, मोस्ट ऑफ माय फैमिली नहीं हो, तो गाने बजाने का तो कॉन्सेप्ट था. सो माय मम एंड माय सिस्टर यूज्ड टू ऑलवेज प्ले द ढोल वेरी वेल और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी, गाते भी बहुत अच्छा थे. सो द डे दैट आई डिसाइडेड अच्छा मुझे भी करना है इज द डे दैट आई स्टार्टेड प्लेइंग इट वेल एंड देन वेरी वेल एंड वेरी स्वीट. उस दिन बल्कि मेरी बहन बता रही थी रिसेंटली, अम्मी एंड माई सिस्टर वर एट अ शादी एट कजन फुप्पो हम कहेंगे यानी अब्बू की कजन की शादी, उनको याद था कोई 8-10 साल पुराना कि सलमीन कितना अच्छा ढोल बजाते हैं. लाइक अच्छा ओके, एनी पॉइंट इज नॉट माय तारीफ, पॉइंट इज लेटिंग यू नो दैट द डे यू लेट गो ऑफ समथिंग जस्ट डू इट मैन, हैव फन, जाएं एक दफा जरा अपनी उंगलियां आप नजम थरकाएं अपनी उंगलियां
थरकती को थरका ही कहेंगे ना. एंड हैव फन, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ. मुसाद मुस्कान कहती है खट्टा कोई चीज खट्टा खाने के बाद लोग कहते हैं ना, कहती है मुझसे नहीं होता है. क्यों भाई, घबराहट होती है आपको, शर्म आती है क्या? दिस इज अ कॉमन चीज, दैट इज ट्रू. सो इट वॉज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन टू इनकरेज यू पीपल कि क्या ऐसी चीज है, इतनी सारी चीजें हम इतना सफोकेट करते हैं ना अपने आप को जिंदगी में या लाइफ में, इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पता ही नहीं चलता. हम जो कहते हैं कि हमारी जिंदगी बड़ी सख्त है और बड़ी बड़े मसले मसाइल हैं, हम खुद बहुत सारी चीजों को सोसाइटी कहने को कह के या अपने ही बनाए हुए जो कुछ इकदार होते हैं, कुछ तो आपके जनरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज होते हैं ना, उसूल और इकदार, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हम अपने ऊपर मसलत किए हुए होते हैं, एंड देन वी डोंट कम आउट ऑफ दैट जोन. जितना आप फ्रीली जिएंगे उतना ज्यादा आप अपनी बाकी जिम्मेदारियों को और रोज की जो चिक 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 होती है, जो इर्द गिर्द खासतौर पर अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, आप गवर्नमेंट के इदारे में काम करते हैं, या आप ऐसे इदारे में काम करते हैं जहाँ रेड टेप बहुत ज्यादा है, या आप ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां पे कॉन्स्टेंटली पॉलिटिक्स रहती है, या जमीनों के मसले हैं, या कुछ भी, देयर इज सो मच दैट यू कांट सॉल्व इमीडिएटली. व्हाट यू कैन सॉल्व इज डूइंग समथिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी. मेरा जो एक इतना कॉमन टर्म जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, आपकी रिजर्व एनर्जी, रिजर्व एनर्जी में आप क्या डाल रहे हैं? जो आपकी जैसा पेट्रोल रिजर्व पे अगर ना हो आए, वो रिजर्व वाली जो गुंजाइश होती है वो ना हो, तो गाड़ी क्या हो, फौरन बंद हो जाए ना. अभी तक चल रहा है तो आगे भी चलेगा. ये एक तो मेरे अपने दोस्त भी, यार चल रहा है तो चला रही. रिजर्व एनर्जी के लिए कुछ तो डालें. ये छोटी 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 चीजें ऐसे, कभी गोलगप्पे नहीं खाए रोड साइड पे खड़े होके कि गंदे होते हैं, अनहाइजीनिक होते, खा के देख लें क्या हो जाएगा एट द मोस्ट, यू नो, वट एवर इट इज. डू जस्ट वन डे से आई एम गोइंग अवे फॉर लाइक टू डेज. घर पे जिम्मेदारियां हम नहीं कर सकते, हम आप समझती नहीं है सलमीन. सलमीन खुद अपने ऊपर अपने साथ ये कर चुकी है. अतः क्या होता है, आपकी अपनी एक रेगुलर लेवल ऑफ एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो जाती है. एनी हाउ, डोंट वॉन्ट टू रिपीट माई सेल्फ, बट पॉइंट बीइंग, कीजिए जो चीजें आप देखते हैं दूसरे लोग करते हैं उससे महसूस होते हैं, कीजिए, खुल के हंसीए. ये मत सोचिए कि बतीसी ज्यादा निकल आएगी या टेढ़े दांत नजर आ रहे हैं या नाक बड़ी हो जाती है. दूसरों को जब आप हंसता हुआ देखते हैं खुल के और आप कहते हैं यार कितना मतलब माशाल्लाह खुश मिजाज है, तो वो खुश मिजाज सिर्फ नहीं है, वो जिंदगी को ले रहा है एज यू नो रियली प्रेशियस, उसकी कदर कर रहा है. अपने आप को इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर करके कभी लोग क्या कहेंगे, कभी अम्मा क्या कहेंगे, कभी यू नो बेगम क्या कहेगी, कभी बच्चे क्या कहेंगे, आज आप तो उम्र नहीं है और हम पे नहीं जचेगा और पता नहीं करके, सो मेनी इफ्स एंड बट्स. Let it go. Just breathe. All right, then it's almost time for me to go. Hopefully, you will start living a little more and not just letting your life live you by. Hopefully, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बस गुजरने नहीं देंगे, आप गुजारेंगे और बामकसद तरीके से गुजारेंगे और छोटी-छोटी चीज़ें करें यार किसी भी उम्र में. मैं आप हूँ, it doesn't really matter. You can still enjoy yourself because people will always have a problem, but you shouldn't have a problem with yourself. मैंने एक आर्टिकल भी शेयर किया जो कि सेल्फ केयर के हवाले से बात कर रही थी मैं अर्लियर, कि सेल्फ केयर सितंबर है, अपने आप को तरजीह देना जिस्मानी, जज्बाती, रूहानी और जहनी तौर पे बहुत बहुत जरूरी है. कहाँ सलमीन, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, मत बोलना प्लीज ये मेरी बात सुनते हुए. आई नो बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरी दरख्वास्त और मेरी ताकीद के बाद सोचना शुरू करते हैं. बहुत सारे लोग करते भी हैं, फीडबैक भी देते हैं, लेकिन अगर कभी आपके दिमाग में नहीं सलमीन टाइम नहीं है तो प्लीज थिंक अगेन. इट्स नॉट अबाउट सलमीन, इट्स अबाउट यू. इफ यू डिसरिस्पेक्ट योर सेल्फ, नोबडी विल रिस्पेक्ट यू. इफ यू डिसरिस्पेक्ट योर बॉडी, इफ यू डिसरिस्पेक्ट योर माइंड एंड योर इमोशंस, बिकॉज द एक्सक्यूज इज दैट यू नो पीपल एंड टाइम एंड नहीं हो सकता एंड फलाना टिंगड़ा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो फिर कोई भी नहीं करेगा. यानी आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे अपने जिस्म की, अपने जज्बात की, अपने जहन की, अपने ख्यालात की, अपनी तकालीफ की, अपनी जरूरतों की, तो फिर कोई भी नहीं करेगा क्योंकि दिख जाता है. यू कैन टेल ना, जो सेहत का अपना ख्याल नहीं रखता आपको भी दिखता है ना, तो आपके बारे में कैसे लोगों को नहीं दिखेगा, बिकॉज एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं. नॉट एट ऑल. सो रीड द आर्टिकल 5, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं. अगेन सिर्फ डिसिप्लिन होने की जरूरत है, थोड़ा और माइंडफुल होने की जरूरत है, अपने आपको तरजीह देने की जरूरत है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.